दोस्तों लैपटॉप पर व्हाट्सएप कैसे चलाएं आप ये जानना चाहते हो और अपनी फोटोज और वीडियोस को भेजना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऊपर सर्च बार में web.whatsapp.com टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपके लैपटॉप की विंडो में व्हाट्सएप वेब का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली एक कोड दिखाई देगा, तो आपको इसे अपने WhatsApp से स्कैन करना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में WhatsApp को ओपन करना है। WhatsApp जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक्ड डिवाइस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोबारा से लिंक का डिवाइस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूज मोबाइल डेटा का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोन की स्क्रीन लॉक का पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर स्कैनर के थ्रू जो स्कैनर हमने यहाँ पर खोला है उसको यहाँ पर स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपकी जो भी व्हाट्सएप की चैट है कुछ ही देर में आपके लैपटॉप की विंडो पर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। अब यदि आप किसी को फोटो या वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके चैट पर क्लिक करेंगे। चैट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देगा। तो यदि आप कुछ भेजना चाहते हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स यदि आप भेजना चाहते हैं, फोटोज या वीडियोस भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके भेज सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर फोटोज वगैरह भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली जैसे मैं कोई भी फोटो एक ले लेता हूँ, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप फोटोज भेज सकते हैं और इसी प्रकार से आप वीडियोज भी यहाँ से सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। और यदि आप अपना व्हाट्सएप दोबारा से बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली 3 लाइन का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो वापस से बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप का यूज लैपटॉप पर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बार बार व्हाट्सएप को लॉग आउट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर विंडोज के सामने एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉलर नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपल शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही शो इन फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है। अब यहां से आपको इस इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करना है और आपको अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करने के साथ ही आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप इंस्टॉल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहां पर चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखकर आ रहा है, तो अभी ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहा है कि आपका जो लैपटॉप है वो व्हाट्सएप चल सकता है उसमें या नहीं चल सकता है। देखिए जैसा कि यहां पर स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया, तो कुछ ही देर में आपका व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप डाउनलोड होने के बाद और इंस्टॉल होने के बाद आपके लैपटॉप में इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वापस से अपने मोबाइल से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, यहाँ पर QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल का जो भी चैट्स हैं, जो भी WhatsApp की चैट्स है, वो सभी आपके लैपटॉप के WhatsApp के ऐप पर आ जाएंगी। तो यहाँ से अब आपको बार बार लॉग इन और लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो चैट्स हमने अभी पहले WhatsApp वेब पर देखी थी वो अब हमें WhatsApp के ऐप पर दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप सेम वही परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन, जैसे कि किसी को फोटो भेजना, किसी को मैसेज भेजना, किसी को वीडियो भेजना, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो यदि इसी प्रकार से आप और भी एंड्रॉयड ऐप्स को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किसी भी एंड्रॉयड ऐप को आप अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।